हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे फिल्टर आज के इस वीडियो में एक्सरे फिल्टर क्या होते हैं और यह कितने टाइप के होते हैं और एक्सरे फिल्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आइए जानते हैं एक्सरे फिल्टर के बारे में इसे रेडियोग्राफिक फ़िल्टर भी कहा जाता है सबसे पहले जानते हैं फिल्टर क्या होता है देखिए यह है एक्सरे ट्यूब होती है इसमें एनोड और कैथोड होते हैं एनोड से एक्सरे बीम या एक्सरे फोटॉन्स निकलते हैं इस निकलने वाली एक्सरे बीम में हाई एनर्जी और लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन होते हैं ये एक्सरे जब पेशेंट पर गिरते हैं तो इनमें से कुछ हाई एनर्जी के फोटोन पेशेंट को पार कर जाते हैं जो यूजफुल एक्सरे होती है और लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन पेशेंट को पार नहीं कर पाते और यह रेडिएशन डोज को भी बढ़ाते हैं इसलिए इसे रोकने के लिए एक एल्यूमिनियम या कॉपर की सीट लगा देते हैं जो लो एनर्जी एक्सरे फोटोन को एब्जर्व कर लेते हैं और यूजफुल एक्सरे फोटोन को जाने देते हैं इसे ही अपन फिल्ट्रेशन कहते हैं ए सीट ऑफ मेटल प्लेस्ट इन पथ ऑफ एक्सरे बीम मतलब फिल्टर एक्सरे बीम के पथ पर मतलब एक्सरे बीम के मार्ग में रखी गई एक मेटल की सीट होती है यह है मेटल एल्यूमिनियम और कॉपर होते हैं प्लस्ट बिटवीन एक्सरे ट्यूब विंडो एंड पेशेंट टू रिमूव लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स मतलब मेटल सीट लो एनर्जी एक्सरे फोटोन को रिमूव करने के लिए ट्यूब विंडो और पेशेंट के बीच में रखी होती है फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्व द लोअर एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स इमिटेड बाई द ट्यूब बिफोर द रिच ऑफ टारगेट मतलब फोटोन पेशेंट तक पहुँचने से पहले ट्यूब द्वारा इमिटेड लो एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्व करने के लिए फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है इट एब्जोर्व लो एनर्जी रेडिएशन बिफोर इट रिच टू देशेंट मतलब फिल्टर रेडिएशन को पेशेंट तक पहुंचने से पहले लो एनर्जी रेडिएशन को एब्जर्वर करता है रेड्यूज स्किन एक्सपोजर डोज अप टू 80% परसेंट मतलब जो फिल्टर होता है वह स्किन के संपर्क में आने वाले एक्सपोजर को 80% परसेंट तक कम कर देता है अब टाइप्स ऑफ फिल्टर की बात करते हैं जो फिल्टर होते हैं वह टू टाइप के होते हैं फर्स्ट है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन सेकेंड है एडेड फिल्ट्रेशन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह है इनहेरेंट फिल्टर है और यह एडेड फिल्टर होता है इसमें फिल्टर को एड किया जाता है तो सबसे पहले फर्स्ट इनहेरेंट फिल्ट्रेशन की बात करते हैं द एब्जॉर्पन ऑफ एक्सरे बाय द एक्सरे ट्यूब एंड इट्स हाउसिंग इज कॉल्ड इनहेरेंट फिल्ट्रेशन मतलब लो एनर्जी वाले एक्सरे फोटोन को एक्सरे ट्यूब और हाउसिंग द्वारा एक्सरे के एब्जॉर्पन को ही इनहेरेंट फिल्ट्रेशन कहा जाता है इस फिल्ट्रेशन की थिकनेस 0.5 से 1 एम एम एल्यूमीनियम इक्वेलेंट के बराबर होती है जो इनहेंट फिल्टर होता है वह निम्न मटेरियल से बना होता है फर्स्ट है ग्लास एंड मेटल एनोलप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह ग्लास एनोलप होता है और यह भी लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को एब्जर्व करता है सेकेंड है द इंसुलेटिंग ऑयल सराउंडिंग द ट्यूब मतलब इस ट्यूब में एक इंसुलेटिंग ऑयल भरा होता है जो ट्यूब को ठंडा करने का काम करता है यह ऑयल भी लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्व करता है थर्ड है द ग्लास विंडो ऑफ हाउसिंग मतलब ट्यूब हाउसिंग में यहाँ पर ग्लास विंडो होती है यह भी लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्व करती है मतलब यह तीनों पॉइंट इनहेरेंट फिल्टर में इंक्लूड होते हैं अब सेकेंड फिल्ट्रेशन की बात करते हैं एडेड फिल्ट्रेशन आउटसाइड द एक्सरे ट्यूब एंड हाउसिंग मतलब यह फिल्ट्रेशन एक्सरे ट्यूब और हाउसिंग के आउटसाइड में होता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह एक्सरे है ट्यूब होती है और यह एक्सरे ट्यूब के आउटसाइड में एड किया हुआ फिल्टर होता है वन से टू एम एम ऑफ एल्यूमिनियम इज एडेड फिल्ट्रेशन प्लस्ट इन द कोलोमीटर मतलब वन से टू एम एम एल्यूमिनियम वाले फिल्टर को कॉलीमीटर से जोड़ा जाता है दिस फिल्ट्रेशन इज जनरली प्लेस्ड ऑन द मिरर ऑफ द कॉलीमीटर मतलब यह फिल्टर जनरली कॉलीमीटर के मिरर पर रखा जाता है कभी आप एक्सरे ट्यूब का कॉलोमीटर देखना उसमें नीचे की साइड एड करने के लिए फिल्टर की जगह होती है थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर परमानेंटली एडेड बिटवीन द कॉलीमीटर एंड प्रोटेक्टिव हाउसिंग मतलब इस प्रकार का फिल्ट्रेशन एल्यूमिनियम और कॉपर फिल्टर की थिन लेयर कोलिमीटर और प्रोटेक्टिव हाउसिंग के बीच में परमानेंट्री रूप से जुड़ जाती है फिल्टर्स में भी चेंज मतलब यह है फिल्टर चेंज भी किए जा सकते हैं फिल्टर्स में दो मेटल सीट्स होती है फर्स्ट है एल्यूमिनियम इसका एटॉमिक नंबर थर्टीन होता है इट इज़ एन एक्सेलेंट फिल्टर मटेरियल फॉर लो एनर्जी रेडिएशन मतलब एल्यूमिनियम लो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक अच्छा फिल्टर मटेरियल माना जाता है सेकंड है कॉपर इसका एटॉमिक नंबर ट्वेंटी नाइन होता है इट इज़ ए बेटर फिल्टर फॉर हाई एनर्जी रेडिएशन मतलब हाई एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए यह बेटर फिल्टर होता है अब टाइप्स ऑफ एडेड फिल्टर की बात करते हैं मतलब एडेड फिल्टर के कुछ टाइप भी होते हैं जैसे एल्यूमिनियम फिल्टर कंपाउंड फिल्टर वेज फिल्टर पेरिफेरल फिल्टर और मोलबिडनम फिल्टर जो कंपाउंड फिल्टर होता है उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों शीट्स का यूज किया जाता है अब टोटल फिल्ट्रेशन की बात करते हैं टोटल फिल्ट्रेशन इक्वल इनहेरेंट फिल्ट्रेशन प्लस एडेड फिल्ट्रेशन होता है आप कभी एक्से ट्यूब हाउसिंग पर देखना उस पर आपको एक एल्यूमिनियम का रेपर लगा हुआ होता है उस पर आपको टोटल फिल्ट्रेशन और इनहेरेंट फिल्ट्रेशन और एडेड फिल्ट्रेशन लिखा हुआ मिलेगा एक्सरे मशीन को ऑपरेट करते टाइम ऑपरेटिंग के अगर फिफ्टी के से कम है तो टोटल फिल्ट्रेशन जीरो पॉइंट फाइव एल्यूमिनियम के बराबर होता है और के 50 से 70 के है तो टोटल फिल्ट्रेशन 1.5 पॉइंट फाइव के बराबर होता है और ऑपरेटिंग के 70 पी के से ज़्यादा है तो टोटल फिल्ट्रेशन 2.5 पॉइंट फाइव के बराबर होता है अब फिल्टर्स के एडवांटेज की बात करते हैं एब्जॉर्ब लो एनर्जी एक्सरे फोटोन मतलब फिल्टर्स लो एनर्जी एक्सरे फोटोन् को एब्जॉर्ब करता है रेड्यूज अननेसेसरी रेडिएशन डोज टू पेशेंट मतलब फिल्टर्स पेशेंट की अननेसेसरी रेडिएशन डोज को भी कम करता है इट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ रेडियोग्राफ यह रेडियोग्राफ की इमेज क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है अब फिल्टर्स के डिसएडवांटेज की बात करते हैं डिक्रीज सम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन मतलब फिल्टर्स एक्सरे फोटोन की कुछ ही एनर्जी को डिक्रीज मतलब कुछ ही एनर्जी को कम कर पाता है इनक्रीज एक्सपोजर फैक्टर यह एक्सपोजर फैक्टर को इंक्रीज मतलब एक्सपोजर फैक्टर को बढ़ाता है हायर ट्यूब लोडिंग रिक्वायर्ड मतलब इसमें हाई ट्यूब लोडिंग की आवश्यकता होती है सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा